मम्मी के लिए ये सरप्राइज भी होगा कि मम्मी को ना उनका पुराना सामान मिलने नहीं वाला है यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ इस रूम से शुरू करते हैं, जो ये पहले अपने विहान का रूम बनाया था ना, इसमें देख लो ये पूरा सामान निकलवा दिया, खाली कर दिया है पूरा। येलो कलर को पहले दबाना पड़ेगा, उसके बाद इस पे फिनिशिंग आएगी, इस पे एक दो कोटिंग और होगी। ये वाला ठीक लग रहा है पापा? ये वाला ठीक लग रहा है कलर? मतलब अभी तो ये लंच टाइम होने वाला है और मैं अभी भैया लोग के लिए चाय बना रहा हूँ। देख लो यार तुम्हारा भाई चाय कैसी बनाता है अभी। ये दे आता हूँ एक बार दूसरे भैया को भी चाय, बढ़िया बनाई है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इलायची वगैरह की भी। तो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। तो गाइस आज है 7th of May है, सैटरडे है, और आज से आपको पता है यार, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि घर में रेनोवेशन वगैरह पेंट वेंट का सब काम शुरू करने जा रहे हैं। कुछ है आगे आगे यार, फ्यूचर में कुछ इवेंट्स हैं। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आप रेगुलर वीडियोज डाला करो, रेगुलर ब्लॉग डालो। तो उसका रीजन यार ये है, अभी क्या है फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ प्रॉब्लम है। और सेकंड थिंग यार, मेरी जो अटैचमेंट है ना, मेरी मम्मी से भी ज्यादा मेरी मौसी से है, तो उनकी पूरी फैमिली को यार कोविड हो रखा है। तो यार मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी ब्लॉग करने का, बट स्टिल आज क्या है, मैंने इन भैया को जो पेंट वेंट का काम करना है ना, उनको कमिट किया हुआ था आज की डेट का, तो वो आ चुके हैं अभी। इस बार मैं सोच रहा हूँ जितना भी एक्स्ट्रा सामान है ना घर का, वो सारा निकाल दूंगा, जो भी चीजें हैं अननेसेसरी हैं, जो जरूरत की नहीं है, किसी को दे आऊंगा। उसके बाद एक अलग सा ही घर देखने को आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो मैं अभी जाके एक बार पेंट वेंट ले आता हूँ, भैया आ चुके हैं नीचे। अपने एस्टिमेट ले लिया ऊपर का? हाँ, 20 लीटर माल लग जाएगा। 20 लीटर में हो जाएगा मतलब पूरा? ठीक है, फिर चलते हैं डिस्टेंपर या फिर वो जो सस्ता आएगा वो वाला देखाते हैं, वो चलते हैं। आ जाओ एक बार। अभी फिलहाल मैं आया हुआ हूँ घोड़ी लेने, मतलब यार एक स्टेयर्स बोल सकते हैं उसको, मतलब एक हाइट बनाने के लिए, जिससे ऊपर चढ़ के मतलब पेंट वेंट करते हैं ना सारा कुछ, तो वो शैटरिंग वेटरिंग वाले में मिलती है। तो ये है जो घोड़ी है, अब ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी अपने को, कितनी 5 फुट की चाहिए? 5 फुट की। तो फिर मेरे ख्याल ये है, मैं एक बार पूछ लेता हूँ इनसे। 150 रुपीज़। चलो मैं वो आप दो घोड़ी है ना वहाँ पे भिजवा दो, आपको एड्रेस बता देता हूँ। चलो भैया पेंट वगैरह लेते हैं घोड़ी का, तो वो कह रहे हैं भेज देंगे अभी। फाइनली अब वो टाइम आ गया पेंट सिलेक्शन का, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, भाई पहले पेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। बट मैंने आपके कमेंट सेक्शन से जितना भी देखा था ना, कमेंट सेक्शन में यही आ रहा लाइट कलर्स, तो लाइट कलर्स ही लेंगे। भैया ने अभी ना ये सारे कुछ कलर कॉम्बिनेशन दिखाए हैं, अब इनमें यार कंफ्यूजन इतनी हो रही है, मिलते जुलते से कलर हैं, बट मैं सोच रहा हूँ लाइट सा कोई ग्रे फैमिली का जो है ना उससे रिलेटेड ही करवाऊँ। तो उन्होंने भैया ने ये वाले दिखाए हैं, अब ग्रे में इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन रख दिए हैं, अब इनमें समझ नहीं आ रहा कौन सा। तो अभी ये वाला ठीक है ना? हाँ, ये ग्रे भी लग रहा है। वाइट ये वाला इस तरह का ऑफ वाइट से ऑफ वाइट नहीं, हम लोग तो प्लेन बिल्कुल जो ओरिजिनल वाइट हो रहा है वाइट, तो व्हाइट होता ही है वो, ज्यादा ब्राइट होगा लाइटिंग उसमें ठीक रहेगी। ना 20 मिनट हो चुके हैं और अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रही है। मैं सोच रहा हूँ यार जो छत है, रूफ है, रूफ पे तो व्हाइट ही अच्छा लगेगा, व्हाइट या फिर ऑफ व्हाइट। और उसके अलावा जो कलर है ना लाइट कलर में, ग्रे फैमिली का कोई कलर देख रहा हूँ, तो ग्रे फैमिली में बहुत ज़्यादा यार कन्फ्यूज़न हो रही है कौन सा करवाएं। तो मैंने एक ही सिलेक्ट किया है, बकेट है वो अलग अलग लेनी पड़ेंगी, जो जितनी छोटी है ना वो उतनी महंगी पड़ रही है, कलर अलग अलग करवाने हैं तो अलग अलग लेनी पड़ेंगी। तो अभी देखते हैं एक बार बकेट वगैरह सिलेक्ट कर देते हैं। और दो कलर्स लिए हैं, मतलब एक तो रूफ के लिए लिया है, दूसरा है वो सरप्राइज़ है, वो मतलब आपको पता चल जाएगा यार कौन सा लिया है। अभी और सामान लेना है बहुत सारा जो रिपेयरिंग के लिए है, पुट्टी पी ओ पी ब्रश वगैरह ये सब चीज़ें, धोती वगैरह जो भी है वो एक बार में ले लो, बार बार फिर चक्कर नहीं कटने पड़ेंगे ना। ये रेक मार लिए हैं ताकि उसको स्मूथ बना सके सरफेस को। ये इनका कुछ है पता नहीं स्टेनर ये, और ये तीन ब्रश लिए हैं, और ये प्लेट्स लिए हैं ये उसके पपड़ी वगैरह उतारने के लिए, मतलब लेयर उतारने के लिए। और बाकी है और भी कुछ चाहिए, ये है वो डाई है अंदर, ये 10 लीटर के लिए डाई है, ये हो गया। इसका बिल विल करवा लेते हैं आप। आ चुका है सामान अपना सारा, बस जाके काम पर लगते हैं, शुरू करते हैं आज से। काम शुरू करते हैं और फालतू का सामान निकालते हैं अभी एक बार। मैं सोच रहा हूँ इस रूम से शुरू करते हैं, जो ये पहले अपने विहान का रूम बनाया था ना, इसमें देख लो ये पूरा सामान निकलवा दिया, खाली कर दिया पूरा। अब इसकी जो रूफ है, रूफ अलग कलर की कर लेते हैं वाइट, और ये बहुत भड़कीले से कलर थे यार। तो अब इसमें पूरा जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना आपको, जहाँ पे पहले ड्रिल से होल हुए हैं जितना भी है, ये देखो यहाँ पे यार ये बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा था, तो ये सारा पहले रिपेयर होगा, रिपेयर होने के बाद इस पे कलर्स आएंगे। और कलर्स बहुत ही अच्छे अच्छे सिलेक्ट किए हैं यार, ये भी है ना जितना वायरिंग होल्स वगैरह सारे बंद करवा देते हैं अभी। जो एक्स्ट्रा सामान है ना जितना भी आपको दिखाई दे रहा है सारा अपन निकाल देंगे, अब पर्दे वर्दे हटा के अब काम शुरू कराते हैं। एक बार बस घोड़ी आने वाली है।
तो अभी जाके एक बार ले आता हूँ यार, दोनों एक ही बार में ले आता हूँ। आइडिया पेंट वेंट में कितने लगेंगे, तो जितना बचा सकते हैं बचा लेते हैं यार। यहाँ लगा दो, एक तो ये होगी, दूसरी कौन सी दोगे? कहाँ पे? पुलिस चौकी। अच्छा हाँ, दोनों ही आ जाती इकट्ठी। दूसरी वाली कहाँ, वो भी रखवाई दो। अभी पर्ची वगैरह कटवा ली है, अब देखते हैं कितने दिन तक काम चलता है, उसके अकॉर्डिंगली भैया को दे देंगे पेमेंट जो भी है। जो पर्ची वर्ची कटवाते हैं ना, तो पर्ची कटवा ली, भैया ने कोई सिक्योरिटी नहीं ली। बता रहे थे भैया के नाम, आप शक्ल से बहुत ईमानदार लग रहे हो, आप घोड़ी लेके नहीं भागोगे, तो दैट्स सो काइंड ऑफ हिम। मतलब अच्छा लगा यार देख के, मतलब लोग कितना ट्रस्ट करते हैं मुझ पर। तो अभी चलते हैं यार, घोड़ी वोड़ी ले ली, आप काम वाम करवाते हैं। अंकल गायब हो गए यार, देखते हैं कहाँ, घोड़ी ले गए अंकल दोनों, देखते हैं। मैं भी शायद यार हो सकता है सोसाइटी के गेट पे, ऐसे कोई क्यों लेके जाएगा यार, सोसाइटी के गेट पे खड़े वेट कर रहे होंगे। ये रे अंकल कहीं नहीं गए यार, आ रहे हैं। चलो अब मैं आगे ले लेता हूँ अंकल को, रास्ता पता चल जाएगा। कोई आउटसाइडर आता है ना, जैसे यार अभी आया वो है, अंकल को रुकवा लिया, अब बता दिया मैंने, वो थोड़ा सा एंट्री वगैरह करवा के फिर आने देंगे। आगे अंकल अब एक बार जाके ना घोड़ी वगैरह उतरवा देते हैं, और पापा देखना, पापा शायद डस्टबिन का वो है ना एक्स्ट्रा वो डालने जा रहे हैं शायद कहीं पे। फाइनली पहुँच चुके हैं भैया, अभी अब एक बार ये निकलवा लेते हैं। निकलवा दो भैया एक बार ये। ठीक है, एक बार यार भैया को बुला लेता हूँ, उनकी हेल्प से घोड़ी वगैरह ऊपर पहुँचा देते हैं। देख लो अब जो आखिरी चीज की जरूरत थी वो आ चुकी है, सेटअप बॉक्स था वो हटा दिया, और यहाँ पे फिलिंग विलिंग कर रहे हैं अभी। एक बार जहाँ जहाँ डैमेज था, देखो जैसे ये वाला था यहाँ पे डैमेज था, वहाँ पे था, उस कॉर्नर पे था, तो वहाँ पे अभी पहले पीओपी भर रहे हैं, उसके बाद पेंट वेंट कलर ये सूख जाएगा, उसके बाद शुरू करेंगे। अभी देखो जैसे ये बहुत डैमेज है, इसको उखाड़ना पड़ेगा, उखाड़ने के बाद दोबारा से इसकी फिलिंग होगी, फिर पेंट का काम शुरू होगा। हल्का फुल्का डैमेज दिख रहा है ना, ये तो बहुत ज्यादा डैमेज है, और भैया बता रहे हैं बोले कि ये पूरा फुला हुआ मिलेगा। इसकी वजह से क्या है, जो ये वॉल सीलिंग वगैरह है ना, इसका डिजाइन भी खराब हो सकता है, तो इसको जितना हो सकता है आसपास का एरिया थोड़ा कवर करके इतना ही इसको पीओपी से भर देंगे, ताकि ज्यादा ना हो, क्योंकि ऑलमोस्ट ये पूरा एरिया खराब निकलेगा। थोड़ा सा ये है ना, थोड़ी धूल मिट्टी जाले वाले हैं, ये हट रहे हैं एक बार, उसके बाद पीओपी होने के बाद फिर पेंट होगा। ये व्हाइट दिखेगी आपको, इसमें आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देंगे। अभी भैया क्या कर रहे हैं, पेंट को इक्वल कर लिया है, मतलब 12 लीटर इसमें छोड़ दिया है दीवारों के लिए, और छत के लिए थोड़ा अभी कम लिया है, ये उसको मिक्स कर रहे हैं पूरा मिक्सचर, उसके बाद अब काम शुरू कर देंगे। पापा बोल रहे थे कि अभी ये निकाल ही लेते हैं, जो ये शॉकेट्स वगैरह नहीं होती हैं छोटे छोटे, अब इसमें पीओपी की फिलिंग हो जाएगी, क्योंकि अदरवाइज बाद में निकालेंगे डैमेज हो जाएगा। ये वाले ये पूरे सारे निकाल लेते हैं, वायर बाहर ही कर देते हैं, वो भी फिल कर देंगे अपन जो है ना, छेद निकाल ही दूसरे बाहर, वहां से निकल जाएगी, पीछे से खींच देना। ये थोड़ा सा ऑफ व्हाइट सा लग रहा है, वो शाइनिंग व्हाइट लग रहा है, तो इसमें कुछ स्टेन का कुछ डब्बी आती है वो मिलाया था, अब ये वाला होगा रूफ पे छत पे, अभी इसमें पानी वानी मिला लिया। एक ब्रश के साथ ना कुछ फ्री भी है साथ में, क्या है इसके साथ में फ्री, ये सब नहीं है। अरे वाह, सही है यार, ये चीज बढ़िया कर रखी है, पेंट से जो जितना भी होता है ना कपड़े वपड़े खराब होते हैं हाथ हाथ धोने के, तो साथ में साबुन फ्री दी हुई है, बढ़िया यार। लड़के यार काम खींच के ले रहे हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा, ऑलमोस्ट मे भी शायद 2 या 3 दिन में पूरा बिल्कुल ही घर बिल्कुल चेंज दिखाई देगा, और वो सरप्राइज होगा यार, मम्मी को भी पता नहीं है, मम्मी सुबह तो आए थे, बट कलर्स का तो सभी किसी को भी नहीं पता कलर कौन से होने वाले, और मम्मी के लिए ये सरप्राइज भी होगा कि मम्मी को ना उनका पुराना सामान मिलने नहीं वाला है यहाँ पे, जो ऐसा यार जो अननेसेसरी था, मैं नहीं चाहता कि उनको कुछ हर्ट हो या कुछ भी, उनकी जो फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं किसी चीज़ से, तो वैसा कुछ नहीं करूंगा, उनको एक साइड पर रख दूंगा, बट बाकी जो सामान है जो यूज़ का नहीं है वो दे देंगे, उसकी जगह और ले आएंगे, नई शॉपिंग करेंगे डेफिनेटली। और एक प्रॉब्लम और होगी, मेरे फोन का
स्पेस बिल्कुल खत्म होने वाला है, तो आप ये वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद मेरा फोन का स्पेस कुछ फ्री होगा ताकि मैं दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। तो गाइज इस वीडियो का मैं अभी यहीं पे एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली दिखा दूंगा ये रूम कौन से कलर का करवाया है और कैसा लग रहा है, और पापा को भी बहुत पसंद आएगा डेफिनेटली, पापा इमोशनल भी होंगे पक्का देख के। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो यार। मैं कमेंट करके बताना अच्छा बुरा जो भी लगा आप डेफिनेटली बताना, और मैं जल्दी कोशिश करूंगा यार सब ठीक हो जाए, फिर रेगुलर ब्लॉगिंग भी करूंगा कंटिन्यू। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिखाता हूँ आपको रूम कैसा हुआ है। बाय।